आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के रिडॉक्स रिएक्शन के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके लिए एक हमने ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक की हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन को विद इन सेकेंड उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रिक का जो नाम है वो है ITUS मेथड। ठीक है, ITUS मेथड का नाम हमने रखा है इसकी टोपी उसका सर। तो वैसे देखा जाए तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए थोड़ा हमने इसको यूज किया है। तो केवल आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ ये जो टी है, इस टी का मतलब होता है टोपी, और इस टोपी को हमने नाम दिया है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आरी बात समझे कि केवल हमें ITUS पूरा चीज पूरे को यूज नहीं करना है, केवल हमें टी वर्ड याद रखना है। टी का मतलब क्या है? टोपी, और टोपी को हमने किस में यूज किया है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इतना ही याद रखना है और हम इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। अब जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है Cr2O7-2 प्लस Fe प्लस 2 डेट इम्प्लाई Cr+3 प्लस Fe प्लस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। ठीक है, तो बेटा हमने फाइंड किया Cr2O7 में, हमने Cr का फाइंड किया, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। Fe प्लस 2 का फाइंड किया, तो Fe प्लस 2 का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? प्लस 2। Cr का कितना है? प्लस 3। और Fe का कितना है? प्लस 3। तो हमने इन ऑक्सीडेशन नंबर को लिख दिया। अब बेटा हम इनका चेंज फाइंड करेंगे। चेंज फाइंड करें तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? प्लस 6। राइट हैंड साइड में कितना है? प्लस 3। तो कितने का चेंज हो रहा है? 3 का। कितना एटम है? 2। तो एक के लिए कितने का चेंज है? 3 का। तो दो के लिए कितने का हो जाएगा? 6 का। अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट लिया Fe। Fe का कितना ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस 2। और राइट हैंड साइड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस 3। तो कितने का चेंज हुआ? 1 का। कितने एटम्स हैं? ओनली 1 एटम्स। तो 1 × 1 = 1 हो गया। याद रखना है कि आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड में ही देखना है, ओनली लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में तो केवल आपको उनके ऑक्सीडेशन नंबर को ही चेक करना है, और कुछ भी आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो हमने Cr2O7-2 के लिए जो चेंज आया वो कितना है? 6। तो मैंने 6 ये जो है वो क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हमने क्या कहा है? टोपी। ठीक है, तो हमने बेटा दोनों ही इन यानी स्पीसीज की हमने क्या फाइंड कर ली? टोपीज फाइंड कर ली। और टोपीज फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है? केवल लेफ्ट हैंड साइड में इन टोपीज को क्या कर देना है? एक्सचेंज कर देना है। यानी इसकी टोपी उसका सर, इसकी टोपी कितनी है? 6। इसकी टोपी कितनी है? 1। तो इसकी टोपी को इसको दे देना है और इसकी टोपी को इसको दे देना है। आपको इतना ही करना है। तो बेटा हमने मल्टीप्लाई किया 6 Fe प्लस 2 और 1 Fe। तो हमने यहाँ किया बेटा 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया और 6 का इसके साथ कर दिया। तो केवल लेफ्ट हैंड साइड में करना है, आपको कहीं कुछ नहीं करना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने किया। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना Fe है? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई किए हम। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना Cr है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब लास्ट में क्या करना है आपको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन है? 7। तो आपको बेटा जिस तरफ कमी ऑक्सीजन के उस तरफ उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो कितना है? 7। तो 7H2O। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन हो गया? 14। तो आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं? H+ ऐड करते हैं। किस तरफ ऐड करते हैं? जिस तरफ हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। तो बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड में कितनी थी हाइड्रोजन की कमी थी, तो हमने 14H को ऐड कर दिया। ठीक है, थैंक यू।